एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है मुल्ला लाहौरी साहब का, कि जो इमाम हुसैन ने किया वो नहीं किया जाता है, जो इमाम हुसैन के साथ हुआ वो किया जा रहा है। ये वीडियो आज तक भी पहुंचा है ना, उसका जवाब सुनते चलिएगा, लेकिन पहले ये सुन लीजिए, आजादारी अल्लाह का वादा है और इस वादे की इनफरादियत है। भैया अल्लाह ने वादे बहुत से किए, जनाब नूह से वादा किया कि जो कश्ती नजात में आएगा उसे नजात देंगे, जो कश्ती नजात में आया अल्लाह ने नजात दी, वादा पूरा किया। जनाब मरियम के वालिद से वादा किया था कि एक बेटा देंगे जिसे नबी बनाएंगे। ईसा दुनिया में आए, अल्लाह ने उन्हें नबी बनाया। मोमिनों से वादा किया तुम दुआ करो हम कबूल करेंगे, मोमिन दुआ करता है अल्लाह वादा पूरा करता है। भाई अल्लाह सारे वादे पूरे करता है, मगर हर वादा वाके के बाद पूरा होता है। लेकिन आजादारी वो वादा है जो करबला के बाद पूरा नहीं हुआ। सुनिएगा, शायद इस रुख से आपने कभी ना सुना हो, ये वादा वाकई करबला होने के बाद अल्लाह ने पूरा नहीं किया। अभी वाकई करबला हुआ नहीं, हमारे उलमा की किताबें भरी हैं। अल्लामा मजलिसी की बिहारुल अनवार पढ़िए, बड़ी तफसील से लिखा है कि अभी वाकई करबला हुआ ही नहीं, नबी दुनिया में आए नहीं, अहले बैत दुनिया में आए नहीं, अंबिया आ गए, कोई नबी ऐसा नहीं जिसे अल्लाह ने जमीन करबला से न गुजारा हो। जनाब इब्राहिम करबला पहुंचे, जनाब नूह करबला पहुंचे, जनाब मूसा करबला पहुंचे, जनाब ईसा करबला पहुंचे, और खाली पहुंचे नहीं, रवायतें हैं कि जनाब इब्राहिम के पैर से खून निकला, जनाब मूसा के पैरों से खून निकला, जनाब ईसा के माथे से खून निकला। अंबिया ने कहा पालने वाले ये क्या, तो कहा यहाँ इमाम हुसैन का खून बहाया जाएगा। मैंने चाहा कि तुम्हारा भी खून बहे। भाई सुनिएगा, चाहे जैसा सुनिएगा, मैंने चाहा कि तुम्हारा भी खून बहे। कह दो मुल्ला लाहौरी से कि मुझे इतना बताए कि अल्लाह ने जो ये नबियों से करवाया तो जो हुसैन ने किया वो किया, या जो हुसैन पर हुआ वो पहुंची। देखिए बच्चों को बड़ी खूबसूरती से गुमराह किया जा रहा है कि जो इमाम हुसैन ने किया वो तो लोग करते नहीं, जो इमाम हुसैन के साथ यजीदियों ने किया वो लोग करते हैं। यजीदियों ने इमाम हुसैन का खून बहाया, लोग अपना खून बहाते हैं। यजीदियों ने तलवारें चलाई, लोग खमा लगाते हैं। तो अल्लाह ने जो नबियों को हुक्म दिया, क्या सुना है यार, इसका मतलब गमे हुसैन में खून बहाना यजीदियों की तासी नहीं है, नबियों की सुन्नत है। अल्लाह कह रहा मैंने चाहा कि जहां मौला हुसैन का खून बहाया गया वहां खून बहाया जाए। भाई बहुत बात जहरीली सी है कि जो इमाम हुसैन के ऊपर हुआ लोग वो करते हैं। कहने का मकसद ये है कि खमा ना लगाइए, जंजीर ना लगाइए, खून ना बहाइए। तो कोई इससे पूछ के आए कि फिर आशूर के फाके के लिए क्या ख्याल है। मौला हुसैन भूखे रहे थे कि रखे गए थे, प्यार
प्यासे रहे थे या प्यासे रखे गए थे? भाई आप बताइए, ये फाका क्या है? आजादारी सिर्फ गम मनाने का नाम नहीं है, इमाम हुसैन पर जो जुल्म हुए उनको याद दिलाने का नाम है, ताकि याद रहे कि उनके ऊपर क्या क्या मजालिम हुए। भाई क्या तमाशा है कि साहब जो इमाम हुसैन ने किया लोग वो नहीं करते, जो उनके ऊपर हो रहा है वो किया जाता है। तो साहब बकरीद के दिन गौर से देख के बताइएगा कि छुरी के नीचे बेटों के गले रखे जाते हैं या बकरे के गलों में छुरी रखे। अरे भाई थक गए यार, सुनिएगा इसका जवाब देने के लिए मैंने आज कि साहब जो इमाम हुसैन ने किया वो नहीं करते हैं। वो अपनी बात को मजबूती देने के लिए सहारा लिया कि साहब नसरुल्लाह वो कर रहे हैं जो इमाम हुसैन ने किया, हिजबुल्लाह वो कर रहे हैं जो इमाम हुसैन ने किया, यानी वो यजीदियों से लड़ रहे हैं, ये करना चाहिए, और आप वो कर रहे हैं जो इमाम हुसैन के साथ हुआ, वो कीजिए जो इमाम हुसैन ने किया था। तो बेशक नसरुल्लाह वो कर रहे हैं जो इमाम हुसैन ने किया था, हिजबुल्लाह वो कर रहे हैं जो इमाम हुसैन ने किया था, तभी जनाबे मुख्तार के लिए बदतमीजी क्यों करते हो? इन्हीं साहब ने दो तीन साल पहले जनाब मुख्तार की शान में गुस्ताखी की थी, तो भाई क्या खता थी जनाब मुख्तार के लिए गुस्ताखी की थी? अरे तो जनाब मुख्तार ने क्या खता की थी? उन्होंने भी तो वही किया था तुम्हारे बकौल जो इमाम हुसैन ने किया। मुख्तार से क्यों चिढ़ है? कहीं उनकी तलवार पर तुम्हारे रिश्तेदारों के खून के धब्बे तो नहीं? और फिर दूसरे इमाम हुसैन ने जो किया वो करना चाहिए। कौन है जो वो करे जो हुसैन ने किया? अरे हुसैन ने तो वो किया कि अंबिया के कदम भी थरथरा गए।